हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल आईसीएस टिप्स। तो देखो आम आज डिस्कशन करवा कि आपन किपर आरआई फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करि परिबे से पुनि जो फोन माध्यम रे तासे देखो आपन न्यू यूजर हुवंतु किंबा ऑलरेडी रजिस्टर यूजर हुवंतु बोथ को पई अप्लाई करिबा पूरा डिटेल डिस्कशन करबी। तो वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व मु आपन को रिक्वेस्ट करू, जदि फर्स्ट टाइम आपन हमर चैनल को विजिट करछन तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाकर दिया बेल आइकन को दबाई दियंतु सर्वथे हमर चैनल नोटिफिकेशन पाए पाए। यह सहित जदि भिडियोटी आपको भल लगे तो भिडियो लाइक करते और सामने सहित मोस्टली सेयार करूँ। तो डेरी नक चलते भिडियोट स्टार्ट करवा। तो देखो जितेबाला मैंने आपड़ फास्ट वेबसाइट को भिजिट करेंगे तो वेबसाइट हूँ आपर www.o3sc.gov.in। तो आपको यहपर हिसाब से गोटे इंटरफेस देखा मिली थी। तो देखते ये जगह लगइन थी आ जगह आपंकर अनलाइन अप्लाई अनलाइन थी। तो फास्ट कौन करेंगे आपन अप्लाई अनलाइन टच करेंगे। तो देखो आप अप्लाई ऑनलाइन ऊपर टच कला बेलू आपको यहपर हिसाब से इंटरफेस ऑलरेडी देखा मिली। तो देखो ये जगह अच्छे आपको ऑलरेडी रजिस्टर यूजर एवं न्यू यूजर। तो देखो जदि आपने रजिस्टर यूजर होते हैं किपर अप्लाई करेंगे आज जब न्यू यूजर होते हैं किपर अप्लाई करेंगे तो डिटेल देखा विथ पेमेंट प्रूफ से। तो फास्ट जेहतु आप न्यू यूजर तो फास्ट यूजर पर ही टच करेंगे। तो न्यू यूजर पर टच कला देखो आपको ये जगह गोटे इंटरफेस यहपर हिसाब से ओपन हो तो आप पूरा तलू तलू स्क्रोल कर चलतु। लास्ट देखिए ये जगह लिखाई थे बैक टू ऑनगोइंग रिक्रुटमेंट आउ देन आपर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन। तो आप कौन करेंगे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर टच करेंगे। तो प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर टच कला आपको यहपर हिसाब से गोटे पप विंडो ओपन हो तो आप कौन करेंगे ओके ऊपर टच करूँ। तो देखो फर्दर आपको यहपर हिसाब से गोटे इंटरफेस टी ओपन हो। तो ये जगह निज निजर ईमेल आईडी और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर दिंतु, मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर दिंतु। फाइनली आप गोटे कैचअप कोड देकी प्रोसीड उपर फॉलो करंतु। टिप देला पर फाइनली आप कौन करेंगे नेक्स्ट उपर टच करेंगे। तो नेक्स्ट उपर टच कला देखो किसी समय आप बफरिंग हो देन आप गोटे पेज को रिडायरेक्ट करदेव। तो देखो ये हूँ तार पेज को रिडायरेक्ट करदेला। तो ये पेज आपने कौन करेंगे तो फास्ट जो देखिए आर यू प्रेजेंटली बीइंग डिवाइड बाय एनी यूनियन और स्टेट सर्विस सिलेक्शन रिक्रुटमेंट कमिशन और बोर्ड टू अपीयरिंग एनी ऑफ रिक्रुटमेंट और सिलेक्शन एग्जामिनेशन आपको नो करेंगे। देन देखो आप फर्दर आगे बढ़े तो ये जगह देखिए ठीक हुई ची ऑल यू कैन परफॉर्म इन ओडिया लैंग्वेज। तो ये जगह स्पीक रीड एवं राइट तीन टाक क्लिक करेंगे। तपर देखते फर्दर आगे जातु तो ये जगह अच्छी योर ओडिया लैंग्वेज पासिंग स्टैंडर्ड। तो देखो ये जगह आपन माने कौन करेंगे टच करूँ ये जगह। तो यहीपर हिसाब से तीन टा आप चार आसो भारी फास्ट द मीडियम फॉर इंग्लिश एग्जामिनेशन विद ओडिया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो आपको आप चूज करदे। तो देखो यूनिक नेम चूज कला देखो ये जगह अच्छी आपको द सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट व्वेर यू वांट टू अपीयर द रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन। ता माने आप कौ डिस्ट्रिक्ट रिक्रुटमेंट एग्जाम को दबा को चाहते। तो मुझे जगह चूज करदे तो फर्दर देखु हाँ। तो देखो यहीटा हूँ आपंकर नेक्स्ट स्टेप हूँ बहुत इंपोर्टेंट अच्छे। तो आपको कौन कही ना सिलेक्ट द पोस्टिंग प्रेफरेंस एंड क्लिक अप और डाउन आल आरो शो बिलो द रियलिटी। ता माने देखु ये जगह आपको कौ कौ डिस्ट्रिक्ट आपने पोस्ट को अप्लाय करा चाहते से रिक्वेस्ट मांगी आपको। तो आपने किपर करेंगे देखते जब आप लैपटॉप फिलअप करते हैं तो आपको ये जगह ऑलरेडी आसी जाऊ कि डिस्ट्रिक्ट नेम कि मोबाइल फिल कले आसुनी। तो किपर आप देखेदे आपको तो देखुथिबे कि ए जगह आपको ये जो जगह आपको देखा मिलती है गोटे दुईटा आरो अच्छे गोटे छोट आरो अच्छे जो मझी अच्छे। तो तापर टच करूँ तापर टच कला देखते आपको यहपर हिसाब से आसो इंटरफेस आसवारी तीसटा डिस्ट्रिक्टर नेम आसवारी। तो मुझे आपको डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करेंगे। तो देखो फास्ट देखो निज निज डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस दिखते जब आप डिस्ट्रिक्ट कम पोस्ट अच्छी तेल आप नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस दिखुं। तो निज निज डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस दिखाँ। तो फास्ट देखो मो डिस्ट्रिक्ट पूरी तो मुझे फास्ट पूरी को दूसरी और मो पाखे कटक बाहरी। तो कटक पाखापाखी 51 वैकेंसी अच्छी। तो मुझे फास्ट प्रेफरेंस पूरी दूसरी सेकेंड ऑप्शन कटक देवी थर्ड आम खोर्धा। तो यहपर हिसाब से मोर डिस्ट्रिक्ट को चूज कर। तो किपर आप चूज करेंगे मोबाइल मुझे आपको कही रखुच्छी। तो फास्ट कौन करेंगे देखो मो डिस्ट्रिक्ट पूरी अच्छी। तो फास्ट मुझे पूरी पर टच करी। तो पूरी पर टच कला फर्दर कौन करी ना देखो ये आर को ऑफ करी मैंने देखो पूरी मोर पाखापाखी 23-24 नंबर अच्छी। तो मुझे ये जो आरटा को 23-24 थर टच कले पूरी मोर ऑटोमेटिक एक नंबर को आसवारी। तो मुझे कर देखे दूसरी देखो। तो बर्तमान देखो पूरी अच्छी क्या तले नयगढ़ तले। तो देखो धीरे धीरे आम ऑफ करवा तो ऊपर को ऊपर पूरी बढ़ी चलो।
एक नंबर को आसला भारी तापर मु नेक्स्ट चूज करियो कहा को कटक को तो देखंतु कटक सेही परी आपण माने चूज करियो तो पूरी एक नंबर आसला देन आपण कटक को चूज करिवे देखंतु वर्तमान फर्स्ट नंबर पूरी कटक आसला तापर मु चाहू छी खोर्धा दवा पई तो खोर्धा को सेही परी हिसाब मु आनी परिबी तो देन मु चूज करबी जगतसिंहपुर को तो सही हिसाब से मु जगतसिंहपुर को देखंतु बरगढ़ बरगढ़ पर एठी हमर अछि जगतसिंहपुर तो जगतसिंहपुर पर टच करबी तो जगतसिंहपुर को मध्य अप एंड डाउन करके पुर को आनी पारिबी तो देखंतु मोर फर्स्ट ऑप्शन पूरी सेकंड ऑप्शन कटक थर्ड ऑप्शन खोर्धा फोर्थ ऑप्शन जगतसिंहपुर आपन जदि चाहिबे एहि पर हिसाब से 30टा जिला को देई पारिबी तो मु फर्स्ट 4टा जिला को देई देली देन पूरी पर टच करके आगो को मु बढ़ी चलिबी देन देखंतु एजार देई कि सिलेक्ट योर जेंडर तो जेंडर मु एजार सिलेक्ट कर दउछि देन देखिए कि सिलेक्ट द कैटेगरी अंडर यू व्हिच यू वांट टू अप्लाई तो देखो ये आपको इंपोर्टेंट अच्छे आप तो जदि आप जनरल कैटेगरी अप्लाई करेंगे तो ये जगह आप किसी देवाक पड़ोनि जदि आपर सोशल कैटेगरी कि एससी एसटी कैटेगरी होता है तो देखते आपको ये जगह आउ गोटे टैग को फिलअप करा पड़े सब कैटेगरी तो सब कैटेगरी देखते आप जगह अदर को चूज करते जब एससी बी सी तापर इंटीरियर सब कैटेगरी तो देखो ये जो सब कैटेगरी आप पाइबे कौन तो आप जो एससी बी सर्टिफिकेट थी कि एससी एसटी सर्टिफिकेट थी तो सही थे देखो आप निजर ना दे बापा ना दे थोड़े आप भिलेज दे आप तहसिल दे थोपर बेलंगस टू डैश कम्युनिटी तो आप डैश्रे जहाँ थी से कम्युनिटा को ये जगह आप फिलअप करेंगे तो देखो ये बहुत इंपोर्टेंट हूँ आप जब आप छोटिया भूल करदे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कटिपारती तो मुझे जगह फिलअप करदे सब कैटेगोरी तापर देखो ये जो रहा आपर आपको आप ब्लांक हिं छाड़ दिखाँ तापर फर्दर जो आसला ये तीन टाक आप ब्लांक हिं छाड़ दिखाँ जदि आप बलांगीर डिस्ट्रिक्ट बैलेंस कर प्रीवियस टाइम जो आपर वैकेंसी आसाला आर आई अमीन से आप्लाय करते से कटि जाइला तो आप चाहिए भी ये जगह चूज करपर तो ये जो अप्सन होवल आप बलांगीर डिस्ट्रिक्ट पाला कि जो मैंने 2016 मसीह लास्ट टाइम जो वैकेंसी आसाला तो से रिक्रुटमेंट पोस्टपोन होता तो से पाने अप्लाई करते तो ये जगह टच करेंगे देन हूँ आप कौन करेंगे ना आप डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे तो देखो यहाँ हूँ आप डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे तो मुझे जगह निज डेट ऑफ बर्थ दे दूँ तो देखो डेट ऑफ बर्थ चूज कलापर ए जगार आसर तो देखो ये जगह आसरेडी आपर बापा ना फिलअप करने को निजर ना तापर बोना तापर देखते ये जगह आप निजर गोटे पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो ये पासवर्ड मध्यम आप फर्दर कौन करेंगे लॉगिन करेंगे तो मुझे चूज करदे ये सब डॉक्यूमेंट फिलअप कलापर आप फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस रे कौन करेंगे बुझे दूचे तो देखो मुझे जगह समस्त आई डी मोर जहाँ जहाँ दरकार था मुझे सब फिलअप करदे तो देखते ये जगह आपको देवा पड़ा चूज फाइल सुशांत जो आप सिग्नेचर टी अपलोड करा पड़ो देन फर्दर आपने कौन करेंगे प्रिव्यू पर टच करेंगे तो प्रिव्यू पर टच कलापर ओके करूँ देन देखो आपन को किसी समय ये कलापर सर्वर टी प्रोब्लेम रही तो देखो ये जगह देदेला कि आप रजिस्ट्रेशन आई डी फाइडी आपर जगह आसला तो फास्ट देखो मोर फास्ट ऑप्शन थिला पूरी देन कटक देन खोर्धा देन जगतसिंहपुर तो देखो मुझे जेम चूज करी से हिसाब से मोर समस्त डिस्ट्रिक्ट अलरेडी आसी सारी तो लास्ट को आम जा सबमिट पर टच करा तो सबमिट पर टच करदे तो सबमिट पर टच कलापर देखो आपको आसीज ये जगह गो टू लॉगिन तो सबमिट पर टच कलापर आप कौन करेंगे ये देखुवे गो टू लॉगिन पर टच करें जब आप रजिस्टर यूजर होते तो यह जगह फास्ट निजर मोबाइल नंबर टू देते तो मुझे जगह मो निज मोबाइल नंबर दे दूँ तो मोबाइल नंबर देतापर आपने कौन करेंगे ना ताको निजर पासवर्ड देखिए लॉगिन करेंगे तो मुझे मो निज मोबाइल नंबर और पासवर्ड दे लॉगिन करदे देखते ये जगह मुझे मो निजर लॉगिन आईड देखिए ये जगह मुझे लॉगिन करी तो लॉगिन कलापर देखो आपको निजर लॉगिन पेज टी ओपन हो तो देखो ये हूँ आप लॉगिन पेज तो जदि आप रजिस्टर यूजर ऑलरेडी थे तो आप फास्ट करेंगे देखो येपट सैट्रे आप गोटे देखा थी कर्नर में तो यहपट सैट्रे आपको कौन करेंगे ना चूज करेंगे तो देखो चूज कलापर आपको यहपर हिसाब से रिडाइरेक्ट कर तलू तल देन देखो ये जगह लिखला कि आप्लिकेसन मेन्यू तो ये जगह जो आप्लिकेसन मेन्यू अच्छी तो फास्ट आप कौन करेंगे से आप्लिकेसन मेन्यू पर टच करेंगे तो आप्लिकेसन मेन्यू पर टच कलापर देखो ये जगह आसी आपको रि रजिस्टर फर द न्यू पोस्ट तो यही जगह जो रि रजिस्टर फर द न्यू पोस्ट तार टच कर न्यू रजिस्टर करेंगे तो यहाँ हूँ आप रजिस्टर यूजर मानी मुझे कहली तो फास्ट देखते आप नेक्स्ट प्रोसेस किपर आम फलो करापर मुझे डिटेल बुझे दौर तो फास्ट देखते आप जगह चलिए तलू तल चलिए
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଫର୍ଦର ତାକୁ ଗୋଟେ ପପ୍ ଅପ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଓପନ୍ ହେବ, ତାକୁ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ହିସାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତା'ର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ କରିବେ, ତ କନଫର୍ମ ଉପରେ ମୁଁ ଟଚ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପପ୍ ଅପ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଆସିବ, ନର୍ମାଲି ଆକୁ ଓକେ ହିଁ କର, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ତାପରେ ପେମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍, ଆଡ୍ରେସ୍, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ମିସେଲେନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ତା ଯାହା ଦେଇଥିବ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବ, ତାପରେ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ। ଏ ସମସ୍ତ ଫର୍ମ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଦେନ୍ ଆପଣ ରହିଲା କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍, ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍, ତ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ଟ ଅଥରିଟି ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ, ତ ଏ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ଟ ଅଥରିଟି ଉପରେ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଅଦର। ଅଦର ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ଏଠି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତା ମାନେ UI AI ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏ ଜାଗାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ନିଜର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତାପରେ ହେଉଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ସେଇଟା ଦେବେ, ତ ଇସ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟି ଦେବେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 10th ଦେବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ସରି ଆପଣଙ୍କ ଇସ୍ୟୁଇଂ ଡେଟ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ସେଇ ହିସାବରେ ସୋସିଆଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବା ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଦେଇକି ସିଲେକ୍ଟ ଅଥରିଟି କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ୟାକୁ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଉଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ'ଣ କରି ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଫଲୋ କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ ଦେଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ସବମିଟ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରୁଛି। ତ ସବମିଟ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼େଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଦେଖାଇଲା, ତ ଦେନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏ ଜାଗାରେ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଫର୍ଦର ସିମ୍ପଲି କନଫର୍ମ ଉପରେ ଟଚ୍ କରୁଛି, ଓକେ କରୁଛି, ଦେନ୍ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସିଡିଂଟା ବଢ଼ଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସରିଲା, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ସରିଲା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପେମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍। ତ ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କିପରି କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କରୁଛି, ତ ପେ ଅନଲାଇନ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପେ ଅନଲାଇନ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଓପନ୍ ହେଉଛି, ଯେ ଗୋ ଫର୍ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ତ ଏ ଜାଗାରେ ଟଚ୍ କରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ SC/ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ଏ ଜାଗାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜେନେରାଲ୍ କିମ୍ବା OBC ପିଲା ହେଇଥିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଏ ଜାଗାରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କନଫର୍ମ ଡିଟେଲ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଫର୍ଦର ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ନେକ୍ସଟ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ ଏ ଜାଗାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ କି ଆଇଦର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା କରିପାରିବେ, ଅଲ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଅଲ୍ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଛି, ଅଲ୍ UPI ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଜାଗାରେ SBI ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଲ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛି, ନାଇଦର ଆପଣମାନେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ କରି ଦେଖିଦେବି, ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଅଲ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ ଅଲ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଆସିବ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଲ୍ ଡେସ୍କ ଆସିବ, ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବିଲ୍ ଡେସ୍କ ଉପରେ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରିମାର୍କ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିମାର୍କ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ଦର ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଓପନ୍ ହେବନି। ତ ରିମାର୍କ ଗୁଡ଼ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ ଲେଖିଲା ପରେ ନର୍ମାଲି ଏଣ୍ଟର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆସେପ୍ଟ ଦ IMSA ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲ, ତା ଉପରେ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଫର୍ଦର ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ହିସାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଡ଼ର ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପାୟାର୍ ଡେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଫର୍ଦର ଆଗକୁ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ଟା ଚାଲି ରଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆଗ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଉଛି, ଦେନ୍ ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ହିସାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ପେମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ମୋର ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଗଲା, ତ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିଦେଉଛି, ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ସେଭ୍ କରି ରଖିଦେଉଛି PDFକୁ। କଲା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବ, ତ ଆପଣ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ସେସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାରିଡ଼ ଷ୍ଟାଟସ୍, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟାରିଡ଼ କରିଥିବେ ମ୍ୟାରିଡ଼ ଲେଖିବେ, ଅନମ୍ୟାରିଡ଼ ଥିଲେ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼ ଦେବେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଅର ନ୍ୟାସନାଲିଟି, ତ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଏ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ୟୋର ରିଲିଜନ୍, ରିଲିଜିନ୍ ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଇଜ୍ ଏନି ୟୋର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସବମିଟ୍, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର OAAA କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନୋ ଲେଖନ୍ତୁ। ନୋ ଲେଖିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେନ୍ ସେଭ୍ କରିକି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଭ୍ ସେଭ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି।
तो नेक्स्ट कला पर देन देखते ये जगह सेफ स्टेप करूँ सेफ स्टेप पर गला पर देखो यहीपर भाव में आउ गोटे स्टेप आपंकर ओपन हो तो देखो ये जगह आप निज निजर आड्रेस को फिलअप करूँ तो ये जगह निजर आड्रेस होम नेम लिखते जो इफ एनी जदि अच्छी लिखुद ना इधर निजर भिलेज ना लिखु तापर देखंतु निज टाउन ये सब फिलअप कर दियंतु तापर देन फिलअप करिबे देन फिलअप करिके निज स्टेट तो स्टेट भी सिलेक्शन कर दियंतु स्टेट स्टेट देला पर एजा डिस्ट्रिक्ट नेम पुरी तो देखंतु तहसील तो एजा तहसील चूज कर दियंतु तापर देखंतु पिन कोड एजा पिन कोड मध्ये चूज कर दियंतु तो पिन कोड देला पर अल्टरनेटिव ईमेल आईडी जदि अच्छी दियंतु ना इधर एजर छाड़ी दियंतु अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर गोटे कंपलसरी देवाक पड़ो तो मोर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे दूँ ये जगह तो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देदेव अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देलापर एजा टिक करूँ तो टिक कलापर आपको फर्दर किसी फिलअप करा पड़ो ना देन आप सेव करूँ सेव पर नेक्स्ट करूँ देखो नेक्स्ट स्टेप करूँ नेक्स्ट स्टेप कलापर देखो ये जगह आप कौन कर एच एस सी और इक्वेलेंट तो आपंकर हाई टेन्थ बा इक्वेलेंट सिलेक्ट द क्वालिफिकेशन तो क्वालिफिकेशन टेन्थ और एच एस सी तापर ईयर ऑफ पासिंग ए जगह ईयर ऑफ पासिंग लिखंतु ईयर ऑफ पासिंग आप जो ईयर थी से ईयर ऑफ पासिंग लिखंतु तापर देन देखंतु सिलेक्ट अटेम्प्ट टेन्थ केते थरो आप अटेम्प्ट रे पास करिसेंति तापर मध्ये चूज करंतु तापर करिवे कि वर्तमान देखिवे कि इंस्टिट्यूट विदाउट पास्ट जर अदर कर दियंतु सिलेक्ट द काउंसिल ऑफ यूनिवर्सिटी तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बीएससी इंटरव्यू स्कूल नेम तो यह निजर स्कूल नाम नेमटा देवे तो ये जगह आप स्कूल नेम देला पर देन ये जगह कौन कर देखु कि ग्रेडिंग सिस्टम उपर टच करूँ आपंकर ग्रेड थिला सिक्योर मार्क टोटल मार्क एंड परसेंटेज तो ये आप टच करूँ मार्क सिक्योर तो आपन केते मार्क सिक्योर करते तो मार्क गोटे देदेब देन आप टोटल मार्क के प्रोवाइड कर दिंतु देन देखु परसेंटेज तो ये जगह परसेंटेज ऑटोमेटिक आसवारी तो फर्स्ट डिवीजन आपर फर्स्ट डिवीजन लिखु फॉर टेन्थ सी एच इक्वल मार्क्स द टोटल परसेंटेज बाय मी नॉट इंक्लूड द एक्स्ट्रा ऑप्शन मार्क तो इंटर सर्टिफिकेट नंबर तो ये जगह सर्टिफिकेट नंबर आउ मार्कशीट नंबर ये जगह प्रोवाइड कर दिंतु देन तापर सेव कर दियंतु तो देखंतु सेव कला पर देन फर्दर आपन को एपर हिसाब आउ गोटे से पर हिसाब आपन को प्लस टू सर्टिफिकेट फिलअप करिया पड़िबो तो यहीपर हिसाब से आप आज जहाँ डॉक्यूमेंट रहा आप फिलअप करेंगे तो मुझे देखे दूसरी तो ये हूँ डेमो हिसाब से आप देखिपे तो ये थिला ओवरऑल नोटिफिकेशन टी आशा करें आपको भिडियो भल लगे तो आउ गोटे देखते बर्तमान पेमेंट टी प्रोब्लेम रोचे तो मुझे निजे पेमेंट गोटे करके देखी तो पेमेंट प्रोब्लेम रोचे तो बर्तमान आप पेमेंट आप्लाय करूँ ना तो देखो आज दिन दुई दिन जाऊपर आप पेमेंट आप्लाय करेंगे तो देखो ओवरअल मुझे आपको डिटेल कर देखेदेली तो ये टोटाल प्रोसेस तार स्टेप बाय स्टेप मुझे पूरा डिटेल बुझेली तो आशा करें आपको भिडियो भल लगे जदि देखते भिडियो आपको भल लगे तो भिडियो गोटे मोस्टली लाइक करते और सामने सहित मोस्टली सेयार करूँ आज जब फर्स्ट टाइम आप चैनल को विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पाकर बेल आइकन दबाई दिंतु सर्वप्रथम आम चैनल नोटिफिकेशन पाया धन्यवाद।